भोपाल में सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आईपीएल पर खेल रहे थे सट्टा, पुलिस ने बरामद की है 1,21,00,000 की नकदी, संचालक समेत एक बुकी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मौके पर लैपटॉप मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के बाद आयकर विभाग ने यहां छापा मारा है, चोरियों के ठिकाने पर भी छापा मारा गया है। चोरियों के ठिकानों से रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं। भोपाल पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल पर सट्टा खेल रहे बैक एंड शेक के संचालक समेत एक बुकिए को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से लगभग 1,21,00,000 रुपए, लैपटॉप मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आईपीएल का सट्टा दुबई से संचालित किया जा रहा था। इस कार्रवाई के बाद आयकर विभाग ने भी स्टोरियों के ठिकानों पर छापा मारकर रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने बरामद की है 1,21,00,000 की नकदी, साथ ही एक बुकी को भी गिरफ्तार किया गया है। संचालक समेत एक बुकी गिरफ्तार किया गया है। आईपीएल पर ये लोग सट्टा लगा रहे थे। बताया जाता है कि सट्टे का ये पूरा कारोबार दुबई से संचालित था। अशोक उपाध्याय हमारे संवाददाता हैं, भोपाल से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं अशोक उपाध्याय का। जी अशोक, जिस तरीके से आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले इन लोगों को पकड़ा गया है, फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी आरती, हम आपको बता दें कि भोपाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल पर सट्टा खिला रहे बेक एंड शेक रेस्टोरेंट के संचालक समेत 10 बुकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने से 1,21,00,000 रुपए नगद, लैपटॉप मोबाइल समेत अन्य सामग्री जब्त की है। जानकारी के मुताबिक आईपीएल का सट्टा दुबई से संचालित किया जा रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद आयकर विभाग ने भी सटोरियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। भोपाल पुलिस के डीआईजी इरशाद अली ने बताया कि शहर के बुकियों के दुबई के ग्रीस तलरेजा के संपर्क थे। ग्रीस के द्वारा भोपाल के बुकियों से सट्टा खिलाया जाता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आईपीएल पर सट्टा लगाया जा रहा था, पुलिस से बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में जहां 1,21,00,000 रुपए बरामद किए हैं, साथ ही सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आईपीएल पर ये लोग सट्टा लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि आईपीएल पर सट्टा दुबई से लगाया जा रहा था। पुलिस ने अब 1,21,00,000 रुपए बरामद किए हैं, साथ ही स्टोरिये को, बुकी को भी गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले में और भी कई जगहों पर छापे मारे गए हैं, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई के बाद आयकर विभाग ने छापे मारे हैं, स्टोरियों के ठिकानों पर ये छापे मारे गए हैं। वहीं पुलिस ने एक बुकी को भी धर लिया है। स्टोरियों के ठिकानों से जो भी रिकॉर्ड मिले हैं उन्हें जब्त कर लिया गया है।